अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। तो हम लोग एंगेजमेंट के तीसरे दिन घूमने गए थे और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं बच्चे लोग का, और वो लोग आ चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग ने यहाँ से वड़ा पाव वगैरह लेकर गए थे, क्योंकि हम लोग पहाड़ पे जाने वाले हैं ऐसे जस्ट थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग ने वड़ा पाव वगैरह ले लिए थे। हम लोग ने सामान ले लिए, फिर उसके बाद रिक्शा देख रहे थे, रिक्शा मिल चुकी है। हम लोग ने दो रिक्शा किए थे अलग अलग, फिर हम लोग रिक्शा में बैठ गए और ये मुज्जू और ये चाची, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग हम लोग पहाड़ पे आए, पहाड़ पर आए। ये मेरे दोनों चाचू के लड़के हैं और दूसरी रिक्शा बहुत लेट आई है, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे। तो लोग आ चुके हैं, तो फिर हम लोग साथों साथ निकल रहे थे। और यहाँ पे लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये तो गांव से भी बेटर है, मतलब मेरे चाची बोल रहे थे कि इतना दूर है। चाची बोल रहे थे यहाँ से कितनी छोटी छोटी बिल्डिंग दिख रही है, तो हमारा घर कौन सा होगा, तो थोड़ी ना हमारा घर यहाँ से दिखेगा। तो मतलब कुछ ना कुछ मस्ती हो रही थी और भाई लोग को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो ये लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे, फ़ोटोशूट किए, सब कुछ किए, मतलब अलग ही था इन लोग का। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं बैठ गई थी। ऊपर से मैंने हील पहना हुआ था, उसकी वजह से मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, क्योंकि अब बहुत अंदर चल कर आए थे हम लोग। चाची बोल रहे थे गरम गरम वड़ा पाव है तो खा लो, फिर बाद में से ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हवा इतनी चल रही थी वहाँ पे, इतनी हवा चल रही थी कि हम लोग ऐसे हिल रहे थे, इतनी हवा चल रही थी वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग ने गरम गरम वड़ा पाव भी खाए माशाल्लाह से, और बैठ भी गए थे और फ़ोटोशूट वगैरह किए। और मैं यहाँ पे पोज़ देते हुए फिर से, मतलब मैं अलग ही अपने मूड में होती हूँ, कहीं भी जाती हूँ पहले पोज़ देना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये शाहरुख खान सलमान खान बनने की कोशिश कर रहा है। और व्यू देखो आप कितना खूबसूरत, माशाल्लाह से देख रहे हो कितना खूबसूरत है। ये लोग एक से एक पोज दे रहे थे और इन लोग को लग रहा था कि मैं इनकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, बट मैं इन लोग की फ़ोटो क्लिक नहीं कर रही थी, मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और ये अपने पोज दिए खड़े हुए थे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आसिफ कुछ पत्थर पे लिख रहा है, तो मैंने सोचा कि जाके देख लूँ, तो छुपके से नीचे की तरफ गई तो ये सच में कुछ लिख रहा था। मतलब मैंने जाके देखा तो फिर वहाँ पे अपना नाम लिख रहा है, ए बनाया था उसने। फिर भाई भी बनाने लगा पत्थर के ऊपर,
उसके बाद ये लोग सब नीचे की तरफ जा रहे थे क्योंकि इन लोग को सांप दिख गया था, तो फिर मैं भी चली गई। तो आप लोग देख रहे हो, उन लोग का घर है सांप का, तो हम लोग भी नीचे की तरफ भाग गए सब लोग। वो क्या है, वो धुआं ये निकल रहा देखो, है मैं इसको पकड़ के उसमें, खड़ी धुआं हूँ, निकल रहा क्या पता नहीं कैसे उसमें, धुआं निकल रहा उसमें क्या पता नहीं, ये गर्म देखो पानी हम कहाँ पर हैं। चलते 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 जा रहे हैं। ये देखो ये तो खूबसूरत। हम लोग जो रास्ते से आए थे ना, वो रास्ते से नहीं गए थे, हम लोग दूसरा ही रास्ता पकड़ लिए, मतलब रोड की तरफ जो जाता है ना नीचे नीचे नीचे, हम लोग वैसे जा रहे पहाड़ के नीचे चलते चलते चलते। हम लोग इतना थक गए थे, इतने पैर दुख रहे थे, बस चलते जा रहे चलते जा रहे। और फिर हम लोग को पता चला कि नीचे रास्ता है, क्योंकि ना रास्ता ही नहीं मिल रहा था। देख रहे, जितना लग रहा है ना रोड नज़दीक है, उतना दूर थी रोड, बहुत दूर थी। फिर ऐसे हम लोग चले गए, फिर वहाँ पर बैठ के भी फ़ोटो शूट किए। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ गर्ल्स थी तो उन लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो हम लोग उन लोग के बाद ही गए, उन लोग हम लोग को देख के चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोग जाके बैठे, फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती की है मतलब। और फिर घर से फ़ोन आ गया था कि आ जाओ जल्दी से खाना खाने के लिए, तो फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ। माशाल्लाह सर जितना इंजॉय किए ना, मैंने छोटे छोटे से क्लिप रिकॉर्ड किए, कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। हाँ, मेरे चाची रहते हैं लातूर में, जो लातूर के हैं उनको पता होगा लातूर कहाँ पर आता है। तो मेरे चाची लातूर में रहते हैं, और जो दूसरे वाले जो है वो उस्मानाबाद में रहते हैं चाचा। तो ऐसे मेरे दो ही चाचा हैं। तो देख रहे हो माशाल्लाह, ये पूरा पूना दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग का घर पता नहीं कहाँ पर है। और हम लोग घर की तरफ निकल गए क्योंकि घर से बहुत फ़ोन आ रहे थे, और हम लोग ने कोई गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं लेकर आए थे, बस हम लोग ऐसे ही निकले थे। सब लोग अपने अपने गाड़ियों से आ रहे थे, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। फिर एक गाँव है, वहाँ से एक बस निकलती है, तो वो बस आ चुकी थी, तो हम लोग उसमें बैठ गए। फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए। हम दोनों के सुकून वाले फेसेस देख रहे हो, तो हम लोग बस बैठे साथ में। और आपको आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंस्टा पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।